वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरह से हावी रहा। द ओवल में खेले जा रहे फाइनल का पहला दिन पैट कमिंस की टीम के नाम रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना दिए। ट्रेविस हेड ने इस दौरान शानदार शतक ठोक दिया है। वहीं स्टीव स्मिथ भी अपने शतक के करीब पहुंच गए। ट्रेविस हेड ने न सिर्फ शतक ठोका बल्कि रिकॉर्ड भी बना दिया। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया, लेकिन हेड और स्मिथ की बल्लेबाजी उनके फैसले को गलत साबित करते हुए नजर आई। किस्मत ने दिया था रोहित शर्मा का साथ, उन्होंने टॉस जीता था लेकिन उन्होंने गेंदबाजी को चुन लिया। साथ ही टीम में आर अश्विन और ईशान किशन को जगह नहीं दी गई। भारत तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के साथ मैदान पर उतरा। 4 तेज गेंदबाज उमेश यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और एक स्पिनर के रूप में रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा पर भरोसा दिखाया। भारतीय टीम की शुरुआत तो कमाल हुई थी। चौथे ओवर की चौथी गेंद में ही मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। ख्वाजा खाता तक नहीं खोल पाए थे। पहले सेशन में ही डेविड वार्नर को 43 रन पर शार्दुल ठाकुर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दूसरे सेशन में 25वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने लाबुशेन को बोल्ड कर दिया। अब 76 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके थे। एक तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया पर हावी होता नजर आ रहा था, लेकिन लाबुशेन के आउट होने के बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त वापसी कराई। हेड ने 106 गेंदों में शानदार शतक ठोक दिया। पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए हेड ने 146 रन बना दिए। वहीं स्टीव स्मिथ ने भी पहले दिन भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। वो अपने शतक के करीब पहुंच गए हैं। पहले दिन की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर वो 95 रन तक पहुंच गए। साथ ही पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 327 रन बना दिए। हेड और स्मिथ के बीच अब तक 251 रन की पार्टनरशिप हो गई है। फाइनल की ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप। दूसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो भारत को शुरुआती ओवर्स में ही विकेट लेने होंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच बहुत दूर ले जाएगा।